क्योंकि हमारे पास गर्ल स्टूडेंट भी रहेंगी तो उनका भी हमें अच्छे से सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी एक टाइम पे छुट्टी देना, सुबह सिक्योरिटी कैमरा सब जगह होंगे ताकि सब आजकल इतने क्राइम होते हैं हर एक चीज़ में, तो हमें उस चीज़ का भी ध्यान रखते हुए हम सारे प्रिकॉशंस लेते हुए सारे सेफ्टी प्रोवाइड करते हुए अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाएंगे और बच्चे को हम अच्छी शिक्षा विद अच्छे फैकल्टीज, हमारे जो भी फैकल्टीज हैं यहाँ पे NLU उसके रहेंगे एंड सम अदर ऑल्सो रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स, तो विल ट्राई टू प्रोवाइड बेस्ट टॉप नॉच स्टडीज टू द स्टूडेंट्स सो दैट। तो बच्चे आपके पास कैसे जुड़ेंगे, इसके लिए आप क्या बताएं मैसेज बताएं कैसे जुड़ेंगे? हम बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान करेंगे, हमारे पास रीडिंग रूम है, रीडिंग रूम कम लाइब्रेरी जहाँ पे बच्चे बैठ के सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक आराम से पढ़ सकते हैं। बीइंग पटना हम टाइमिंग को भी बहुत मद्देनज़र रखते हुए हम अपना कोचिंग शुरू चलाएंगे, क्योंकि हर एक चीज़ को देखते हुए सेफ्टी देखते हुए हमें सबका ख्याल रखना होता है, हमें जस्टिस करना है तो जस्टिस हमें बच्चों को शिक्षा दे के ही करना होगा ताकि बच्चे भी आगे जाके बींग अ जज बींग अ लॉयर बींग इन एनी फील्ड दे विल डू जस्टिस टू टू द सोसाइटी। तो जस्टिस है, हर एक चीज़ में जस्टिस है, तभी हमें मैन और वुमेन में जस्टिस इक्वालिटी एट द सेम पाथ में रखना पड़ेगा। हमारे प्राइसिंग जो कोर्स फी है, फी स्ट्रक्चर आधा रखा गया है मार्केट के अकॉर्डिंग, पटना का हम लोग अगर कंपैरिजन करें जी। HBHW न्यूज़ भारत से जुड़े, भारत भावना से जुड़े, अर्थात हम और आप अपने भारतीय होने पर अपार गर्व का एहसास करें। जिन लाखों अमर बलिदानियों, शहीदों और करोड़ों त्यागियों ने हमें और हमारी पीढ़ियों के लिए अपना तन मन और धन बलिदान किया, उन्हें वर्ष में केवल 2 दिन ही नहीं, उन्हें हम हर दिन नमन करें। HBHW न्यूज़ भारत को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। सारथी कोचिंग संस्थान का बुधवार 14 अगस्त को नवल आर्केड श्री कृष्णापुरी पार्क बोरिंग रोड पटना का उद्घाटन सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश श्री चंद्रमा सिंह जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। यह एक ऐसा मंच भी है जो कानून प्रवेश परीक्षा क्लैट की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को आवश्यक संसाधन और सहयोग प्रदान करता है। क्लैट सारथी की कई विशेषताएं हैं जिसमें पटना के अन्य कोचिंग संस्थानों की अपेक्षा इसकी फी काफी कम है। क्लैट परीक्षा की तैयारी के लिए व्यापक अध्ययन सामग्री उपलब्ध, मॉक टेस्ट और अभ्यास प्रश्न, विशेषज्ञों का हर समय मार्गदर्शन और सहयोग, ऑनलाइन समुदाय और चर्चा मंच, परीक्षा की तैयारी के लिए रणनीति और विशेष टिप्स, आम जनता के हित में PIL करना इत्यादि। इस प्रकार यह कोचिंग संस्थान न्यूनतम अर्थ में क्लैट परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए उचित मार्गदर्शन प्रदान करता है। नमस्कार, मैं संजय दासगुप्ता, इस समय क्लैट सारथी जो आज अभी उद्घाटन हुआ, आइए दोनों डायरेक्टर साहब उनसे बात करते हैं, क्लैट सारथी में क्या शिक्षा देंगे, क्या स्थिति होगी बताइए। नमस्ते सर, आप अपना नाम परिचय देकर बताइए। मेरा नाम गौरव कुमार हुआ जी, और क्लैट सारथी के हम को पार्टनर हुए जी, मेरी पार्टनर जी। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन का जो उद्घाटन हुआ, उद्घाटनकर्ता का नाम बताएंगे सर? मिस्टर चंद्रमा सिंह, रिटायर्ड जी। क्या उद्देश्य है इस क्लैट सारथी? उद्देश्य ये है कि कम मटेरियल में, कॉन्साइज मटेरियल में बच्चों का अच्छा प्रिपरेशन कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन कराएं, NLU में एडमिशन हो, ताकि बच्चे आगे चल करके समाज को भी देख सके अच्छी तरीके से। और जो एक सामाजिक न्याय की बातें होती हैं, और न्याय जो हमारा भारतीय संविधान है, उसमें हमारे जो फोर फाउंडर्स हैं हमारे संविधान के, उन्होंने एनविसेज किया ऐसा कि जस्टिस होना चाहिए, सोशल, इकोनॉमिक और डेमोक्रेटिक, तो वो फुलफिल करे, फिलो कंट्रीमैन को सपोर्ट करे उसके लिए, और एक अच्छा अपना योगदान दे समाज में। सर, यहाँ के ऑल ओवर इंडिया के लिए जो बच्चे लोग आएंगे वो आपको यहाँ पे वो ट्रेनिंग मिल सकता है, या जो आप एजुकेशन वगैरह देंगे लॉ के बारे में? जी बिल्कुल, कहीं के भी बच्चे हो, हमारे लिए बच्चे हैं, और हमारा उद्देश्य है कि वो जाएँ, क्योंकि जो ये NLU
का एग्ज़ाम होता है क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, वो इन ऑल इंडिया का ही टेस्ट है, तो सारे जगह के बच्चे अपीयर होते हैं, तो कहीं के भी बच्चे अगर वो चाहते हैं पढ़ाई करना यहाँ पे तो मोर देन वेलकम है, आके पढ़ाई कर सकते हैं। आपका क्या कहना है स्पेशली लेडीज लोग के लिए, क्या मैसेज देना चाहिए? स्पेशली आई गेस जस्टिस इज वेरी सिक्योर एंड सेफ लेडीज के लिए, वुमेन्स के लिए, एंड एज ही हैज ऑलरेडी सेड दैट हमें जस्टिस करना है तो जस्टिस हमें बच्चों को शिक्षा दे के ही करना होगा, ताकि बच्चे भी आगे जाके बींग अ जज, बींग अ लॉयर, बींग इन एनी फील्ड दे विल डू जस्टिस टू द सोसाइटी। तो जस्टिस है हर एक चीज़ में, जस्टिस है तभी हमें मैन और वुमेन में जस्टिस इक्वालिटी एट द सेम पार हमें रखना पड़ेगा। तो बच्चे आपके पास कैसे जुड़ेंगे, इसके लिए आप क्या बताएं मैसेज बताएं कैसे जुड़ेंगे? हम बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान करेंगे। हमारे पास रीडिंग रूम है, रीडिंग रूम कम लाइब्रेरी, जहाँ पे बच्चे बैठ के सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक आराम से पढ़ सकते हैं। बीइंग पटना, हम टाइमिंग को भी बहुत मद्देनज़र रखते हुए हम अपना कोचिंग शुरू चलाएँगे, क्योंकि हर एक चीज़ को देखते हुए, सेफ्टी देखते हुए हमें सबका ख्याल रखना होता है, क्योंकि हमारे पास गर्ल स्टूडेंट भी रहेंगी तो उनका भी हमें अच्छे से सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी एक टाइम पे छुट्टी देना, सुबह सिक्योरिटी कैमरा सब जगह होंगे, ताकि सब आजकल इतने क्राइम होते हैं हर एक चीज़ में, हमें उस चीज़ का भी ध्यान रखते हुए हम सारे प्रिकॉशंस लेते हुए सारे सेफ्टी प्रोवाइड करते हुए अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाएँगे, और बच्चे को हम अच्छी शिक्षा विद अच्छी फैकल्टीज, हमारे जो भी फैकल्टीज हैं यहाँ पे NLU के रहेंगे एंड सम अदर ऑल्सो रिनाउन इंस्टीट्यूट्स, तो विल ट्राई टू प्रोवाइड बेस्ट टॉप नॉच स्टडीज टू द स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन कम हियर एंड गेन नॉलेज, एज वी नो नॉलेज इज द पावर, नो वन कैन टेक इट फ्रॉम अस। और लोग चाहेंगे कि जैसे बहुत लोगों के पास साधन नहीं है, हमारे पास पैसे की अभाव है, उस स्टेज में आपका क्या करना है, कैसे कोऑपरेट करेंगे? बिल्कुल, जैसा कि आपने पूछा निधि मैम से कि क्या बच्चे क्यों यहाँ से जुड़ना चाहेंगे, तो हमारा बेसिक प्रायोरिटी है कि ये शिक्षा का संस्थान है तो शिक्षा तो ऐसे मुफ्त होना चाहिए, और राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंडर अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज बच्चों को दिया भी जा रहा है, लेकिन मेरा कहना है कि ये राइट टू एजुकेशन जो भी है इसको फंडामेंटल राइट ही बना दिया जाए, और इस ओर में एक कदम लिया गया है, राइट टू हेल्थ को स्टेट ऑफ राजस्थान ने इम्प्लीमेंट किया है कि उसको फंडामेंटल राइट बनाए, तो सिमिलरली ये राइट टू एजुकेशन को भी बनाया जाए फंडामेंटल राइट, स्टेट्स शुरुआत करे या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुरुआत करे, तो इसके साथ हम लोग बच्चों को कम फी में, कम फी में बच्चों को जो भी फी अभी अफोर्डेबल प्राइसिंग है, और उसके साथ भी हम लोग स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारा फोकस ये है कि अप टू 100% स्कॉलरशिप दे रहे हैं, और ये अप टू 100% का मीनिंग एक्चुअली 100% तक अगर बच्चे मेरिटोरियस है और उनका रुचि है लॉ में, तो हमारे प्राइसिंग जो कोर्स फी है, फी स्ट्रक्चर आधा रखा गया है मार्केट के अकॉर्डिंग, पटना का हम लोग अगर कंपैरिजन करें जैसा आप पूछ रहे थे कि बच्चे क्यों जुड़े, तो हम लोग स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी दे रहे हैं, हमारे पास एक डेडिकेटेड रीडिंग रूम मतलब लाइब्रेरी कम रिसोर्स सेंटर है जिसमें बुक्स भी होंगे, आप इस साइड पर देख रहे होंगे हमारा ये फैकल्टी चैम्बर है, तो फैकल्टीज हमारी परमानेंट फैकल्टीज हैं जो भी हैं, तो बच्चे हमारा सुबह सेंटर सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक चलेगा, जैसा मैम ने अभी बताया भी कि हम लोग फीमेल सेफ्टी सब कुछ का देखते हुए 6 बजे तक क्लास डिस्पर्स करने का हमारा फोकस होगा, तो 8 बजे से लेकर शाम तक जो सेंटर चलेगा तो उस दरमियान बच्चे पूरे टाइम इसमें पढ़ सकते हैं फैसिलिटी, अगर बच्चों का नंबर बढ़ेगा तो उसके लिए भी हम लोग अलग से प्रोविज करेंगे व्यवस्था कि बच्चे यहाँ ही पढ़ सके, और जो भी उनको डाउट आ रहा है सीधे यहाँ फैकल्टी चैम्बर का आप देख भी सकते हैं, इनका इसका ग्लास एकदम बड़ा बनाया गया है इन कंपैरिजन टू अदर्स, तो एक वेल थॉट ऑफ प्लान का ये पार्ट था कि सीधे सीधे बच्चे जाए अप्रोच करें, जो भी डाउट्स हैं उनके वो देन एंड देयर क्लियर कर लें। इवन पटना में भी देखते हैं आए दिन कोविड के टाइम पे भी बहुत सारा PIL फाइल किया, तो सब यंग स्टूडेंट, एक तो के समय रिमाइंड कर रहा है मेरी एक फ्रेंड है जो कि जस्ट पास आउट थी और उसका PIL को एक्सेप्ट भी किया गया माननीय पटना हाई कोर्ट के जजेस के द्वारा, और वैकेंसीज की बात कर रहे हैं कि बच्चे कहाँ एकोमोडेट हो रहे हैं, तो ये लॉ जो है एक बहुत 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 ज़्यादा डाइवर्स फील्ड है, मतलब हमारा जो इंस्टा हैंडल है क्लैट्स आरती उस पर भी हम लोग ने डाल रखा है कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, झारखंड का ही देख लीजिए अभी करीबन 2100 वैकेंसीज थे शायद, और अभी बिहार का एग्ज़ाम हुआ है उसमें 270 273, तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।
अपने बिजनेस को गूगल मैप पर दीजिए 360 डिग्री फोटोग्राफी के द्वारा रियल फीलिंग और बिजनेस को नई ऊंचाइयां। ये फोटोग्राफी आपके क्लाइंट को वर्चुअल विजिट कराकर आपके बिजनेस को पूरी रियलिटी के साथ उन्हें अनुभव कराता है। गूगल का सर्वे कहता है अगर आपने अपने बिजनेस का वर्चुअल टूर बनाया है तो आपके ग्राहक अथवा क्लाइंट की आपके बिजनेस में रुचि, उत्साह एवं विश्वास। तो आज ही बनाएं अपने बिजनेस का 360 डिग्री वर्चुअल टूर और गूगल बिजनेस प्रोफाइल गूगल मैप पर और पाएं 10-20% ऑफर डिस्काउंट के साथ। हमसे सीधा संपर्क करें कॉल अथवा व्हाट्सएप के माध्यम से। हमारा नंबर है 7909070926।